बांदीपोरा के अरहंगाम जंगल इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के बयान में कहा गया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकवादियों की संख्या में कमी आई। पाकिस्तान का गाना गाने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को मिली मिसाल। श्रीनगर में एक सड़क परियोजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। प्रमुख राजमार्ग और सुरंग परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेलवे ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का परीक्षण लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को ब्रिज का दौरा कर सकते हैं। 30 जून से बारामूला और रियासी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन चल सकती है। डीसी चेयरमैन विशेष पाल महाजन ने पुल का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।